देखिए भैया नमस्कार जी, सभी भाइयों का वेलकम। आज की बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो में, और आज भैया लांडा जोटा निलोहा मेले के लिए तैयार। लांडा ठाट सी शान है जोटे की भैया, यो देख लो शान सो कर देखे वैसे ही। पास जी, बस 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 यहीं पर रोको तो बिल्कुल प्रियांश भैया। देखा भैया जोटे को देखा पहले एक बार, तसल्ली से जी भर गए, क्योंकि मैंने ये जोटा भैया पहली बार देखा, और जब से वो लिब्बर रेडी तब से मैं जोटे को वीडियो में ही देखता रहा, पर आंखों से आज देखने को मिला। एक बार देखे जोटा काफ़ी शानदार वाला तैयार हो रहा निलोहा मेले में, और अभी जैसा आगे आगे मौसम बदलता जाएगा जोटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। यो देखें हल्का सा आगे करो बस, और भैया समझदारी की भी बात करेंगे आज जोटे के। पहला आप इसे जी भर के तसल्ली से भैंसे को देखें, काफ़ी शानदार। और इसका भागने का अंदाज जब यो पूरे मूड में हो जा, पूंछ का एंटीना सा ऐसा खड़ा कर लें तो मानो अलग ही लगे चीज़ बस देखने में। यो देखें हल्का सा चला के लाओ, पहले चाल चलने देख लो भैया, लोहा लाट शरीर है। और भैया कौन से गांव में अब फिलहाल है यो, आज आपको सारी बात बताऊंगे। पहले तसल्ली में प्यार से चलन दो, प्यार से कोई बात नहीं। यो देखो भैया सारी जानकारी आज इस झोटे की लेंगे, और शाम को निलोहा मेले से इसका जलवा आपको दिखाया जाएगा। घुमा लो घुमा लो, खुरी खुद देगा क्या। देखे स्पेशल लांडा, वाह यहीं पर रोक लो, हाथ पकड़ लो बस रोक लो। एक बार मैं भैया का हल्का सा परिचय लेना चाहूँगा, छोटा सा नाम और पूरा नाम बताइए वैसे अपना। नाम जी राहुल तोमर। राहुल तोमर मुबारकपुर जी जी, मवाना है जी, मवाना डिस्ट्रिक्ट है भाई। वाह देखे बहुत शानदार। तो जैसे राहुल भैया यो जोटा आप ले रहे हैं तो कितना समय आपके पास हो गया पहले उस बात पे। 13 जुलाई 2022 में आया था। अच्छा 2022 में आया था भैया बैसानी के पास। 21 में आया था। 21 में 22 और 21 में आया था। 21 में आया था जुलाई 21। तो ऐसा आपको क्या लगा कि आपको लांडा जोटा पसंद आया यो लिब्बा रेडी वाला। इसकी जी असल में हमें से चार दांत से देख रही है हमारे। अच्छा, बचपन से आपकी इस पे नजर थी। हाँ, जब ये चार दांत में था तो उस टाइम पे जोटे का जब भी हाँ किसी ने मुकाबला ना कर जी, फिर यो नहान नाकाया था वहाँ भी, जब तो लगभग 6 दांत हो गया था। कहाँ से नहाया था नहान। जो नहान नाका थी धर्मपुरे का। धर्मपुरे का तो वहाँ इन्हें मोहम्मदपुर का नामी जोटा मारा था। अच्छा जी, जो नामी था वहाँ से। ठीक ठीक, कोई काटने वाला नहीं था उस एरिया में, तो लांडे ने उसका शिकार किया। हाँ भाई वाह देखे भैया लांडा, पहले वो लांडा लिब्बा रेडी था लांडा, और अब जा लांडा मारकपुर है वो 3 साल से। अरे नहीं लिब्बा रेडी वाला को तो खैर है ही, उनका एक ही बात है देखो दोनों की, पर जिस नाम से फिलहाल चल रहा ना फेमस यो वो बताया जाएगा। भैया एक बार सिंगार वगैरह देखो भैया से, मैं सारी बातें पूछूंगा आराम आराम से। तो जैसे आप इसे लाए तो क्या कुछ आपने इससे प्रोग्राम बिठाया 3 साल में वो बताओ। लगभग परविंदर के जो पता तो मैं इसका पहले ही था। हाँ जी, फिर हम वहाँ लिब्बा रेडी गए, परविंदर ने हमें जुलाई के महीने में जोड़ के दिखाया था। जुलाई के 4.5 किलोमीटर जो कि जब भी 40 उठ के 32, 33, 34 में एंड कर दी। मतलब इतने राउंड नॉर्मल है। 10 बजे उस टाइम तो खाली था जोटा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अंदर से। हाँ उस टाइम बिल्कुल नॉर्मली खुआई मैं घर वाला घास जो खाया करें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। हाँ तो उस घुमाई में भैया इसने काफी बढ़िया वाला मीटर भी लगा के दिखाया। वो तो पड़ी भी है वीडियो। बाकी भागने में तो देखो सब ने देख रखा है राहुल भैया, काफी ज्यादा फेमस जोटा भैया लांडा, लांडा लिब्बा रेडी है, लांडा मारकपुर कैसे भी कह लो एक ही घर की बात है। छाती वगैरह वैसे की देख के बहुत ही स्पेशल। तो जैसे अब जो आप इसे ले रहे तो 3 साल में आपने क्या क्या कर लिया इससे। मेन मेले के लिए ही है, बाकी वगैरह रेस वगैरह टूर्नामेंट हुआ है इनमें। खूंटे का शौक है ऐसा, वैसे किसी का सिर मारने का शौक नहीं बिल्कुल। बहुत शानदार भैया, बिल्कुल मतलब ऐसा अपनी तरफ से बिल्कुल कभी किसी के साथ नहीं भगा, और देखो वैसा कुछ करना भी नहीं चाहता जी, काफी प्यार की बात है। वैसे की भैया एक बार लंबाई पे फोकस मारे पहले आप,
बहुत शानदार। तो लगभग से दो मेले या तीन मेले भाग चुका होगा, तीसरा जी। तो तीनों मेलों में क्या रिजल्ट जुटते का रहा? नंबर वन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी भैया आज फिर मेला है, मुझे लगा चौथा मेला और अच्छा तीसरा है आज, तीसरा मेला है भैया आज। और ये दो जीत गया मुझे लगा, दो जीत गया, दो मेले जीत गया 2022 23 और इस साल है 24। तो शाम को भैया यो किस टाइम छोड़ोगे जी? लगभग 6:30 के आस पास लगभग किस टाइम जोटा वाया पहुंच जाओगा? 4:00 भैया इधर से आराम आराम से ले जाएंगे। और जोटे की एक बात और पता लगी कि जब ये पूंछ का एंटीना सा खड़ा कर लिया तो जी पूरा ही गुस्से में आके भाग गए। जबी अपने हिसाब से भगेगा भैया, बिल्कुल। वैसे ऐसे जोटे को हाँक रहा कौन फिलहाल जी? वैसे नॉर्मल घुमाई फिराई कौन करवा रहा? तो प्रियांश भैया का भी एक बार हम छोटे भाई का परिचय लेना चाहेंगे, एक बार नाम हो जा। तो झोटा कैसा लगा भैया? बढ़िया लगा। तो पहले से नजर थी झोटे पे? हाँ जी पहले से। लगभग कितने साल से? 3 साल से थी भैया, 2 दांत से 4 से देख रहे हैं। तो अब खूंटे पे आ गया, जैसे 2-3 साल से रह भी रहा, तो कैसी क्या खूबी आपको इसमें देखने को मिली? क्योंकि भगने की। और वैसे काम वगैरह में कैसा चला है? बढ़िया चला है जी, कल्टीवेटर 4 किलोमीटर में चलने चलने पर काटते हैं। अच्छा जी, भाई वाह, देखे भैया काम में भी अच्छा चलता होगा क्योंकि जान का जोटा है बड़ा। भाई समझ लो हमारे पास करीबन 30-35 बीघे ही होता होगा। अच्छा जी, 30-35 बीघे केला ही होता है। केला ही हुई? हाँ, वो भी हम केवल 2 घंटे सुबह होते हैं बस। अच्छा जी, 8-10 बीघे जमीन काट दी 2 घंटे में सुबह सुबह ही। ठीक भैया, जोटा काफी देख लो। अभी एक दिन परविंदर आ गया था। हाँ जी, तो परविंदर ले गया था जोड़ के। उससे जोटा मतलब आज भी इतने दिन हो गए। हाँ, बोला नहीं ना, है हमारी पिड्डे की 101 बम है। ठीक जो सेकंड नंबर का पिड्डा लगा। हाँ जी, रुकने का नहीं जोटा। भाई वाह, देखा भैया अपने पुराने चालक को जोटा नहीं भूल रहा अभी। और आज कौन दौड़ावेगा जी? से भूरा सदरपुर, देखो उनकी दाब में मुझे लगा अच्छा है। अच्छा है भैया, और आज इसके राउंड वगैरह सारी चीज आपको दिखाई जाएगी। हम तो सेवा करने में हैं इसकी, तो हम भाई सेवा करने में। बिल्कुल, देख के नाम भी आपका काफी बढ़िया वाला कर रहा जी वो। हाँ जी, क्योंकि लांडा मारकपुर अब जब फेमस हो रहा है जोटा बहुत अच्छी तरीके से। बाकी आज का मेला बतावेगा भैया नीलोहे के मेले में यो स्पेशल तरीके से बग गया, मुझे लगा आपके यहाँ पे नीलोहे के मेला ही भरा जाता है और इसमें ही दौड़ा है जोटा असली। ठीक, वैसे मजे के लिए। ठीक देखे एक बार जेवड़ा ले आओ इसका। यो देखा भैया लांडे जुटे का जेवड़ा लग गया भैया, जेवड़ा लगते ही मैं कहूँ हो गया बिजली लिया, टाइट सा लाई लिया लिया लिया। यो देखा भैया, और आज शाम को भैया जान शान का जुटा बहुत ज्यादा। मोड़ ले ले, एक बार उड़ लिया। यो देखे भैया लांडा, तो आपका तो मन लगा रखा होगा प्रियांश भाई जोटे ना पूरा। लाउ टाइट सा देखा भैया, कितनी अच्छी आगे से पैर चला हुआ जोटा, मैं तो कहूँ ज्यादा खतरनाक लगे और समझदार इतना है बहुत ज्यादा। चलो अंदर ठीक है भाई, लेगा गर्मी हो रही जी, शाम को दौड़ेगा भी जोटा। 3 पिड्डे खड़े भैया के पास, तीनों दिखाए जा गए आपको। एक तो ये वाला भैया बानो वाला जिसमें शाम को ये दौड़ेगा, और 2 पिड्डे हैं। देखे भैया लांडा जोटा अपने ठीक पा गए, और इस कटड़े इस जोटे का लवारा देखे भैया, इसी जोटे का इनके पास 3 साल से जो भी तैयार हुआ इन पर यो वाला। तो यो कितने महीने को लिया प्रियांश भैया? 16 साल। अच्छा, 19 महीने का बोल दिया। देखा भैया उन्ना ही होगा जी, अब तो उम्र ढाई साल का भैया दांत तोड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। चल, तो मतलब फिट है, हिल-पिल के हैं। तो जब 1 किलोमीटर इसने करीबन गांव के 3 कटे मार भी दिए। अच्छा जी, एक दो दांत मारा है। हाँ, छोटा ही था, अच्छा छोड़ दिया वैसा कर दिया काम।
भैया गेम वगैरह शुरू हो चुके इस कर्डे के बचपन से ही। एक जी एक किलोमीटर का बाईपास बनाए रखा था, उस भाई ने फिर रेस लगाई मैंने। अच्छा जी, देखो भैया लांडा जोटिया कटड़ा है और बचपन से ही शुरुआत कर दी भैया ने तो इसकी। तो भीड़ वगैरह मेरे को निकाल दिया राहुल भैया, यो बस ठीक भैया, यो कटड़ा भी मेले के लिए तैयार कर रहे। तो नु भी सुनने में आप इसे जोटे के साथ भी घुमा रहे कभी कभी? तो लगभग कितनी दूरी तक चला है जोटे के साथ? जोटे के साथ चल रहे हैं मतलब मजे मजे में ले चले जाए भैया। देखा अभी लगा रहे सर, सिखा रहे सारी चीज़ धीरे धीरे ही। कड़ा बहुत अच्छा, यो देखा भैया लवारा, देखा भैया क्या सुपर वाला। देखा भैया गायें एक से एक, अगर किसी भाई को भी लेनी हो सर थोड़े पंजाबी गाय और जैसी नस्ल की चाहिए वैसी जी। एक बार यहाँ से नस्ल बताओ सारों की, क्योंकि मेरे से बहुत भैया जर्सी या वैसी देसी गाय। अच्छा ये बछड़ी है तो मुझे लगे, इसे खड़ी करो। एचएफ और अमेरिकन मिक्स है। अच्छा रहन दो बैठी रहन। ये जर्सी और एचएफ मिक्स है। अच्छा जी ये साहिवाल और जर्सी मिक्स है। ठीक ठीक, एक दो दांत मछली है। अच्छा दो दांत है यार, तो भैया बहुत साइज की है। और फिलहाल दूध कितना दे रही है? 5 महीने जब बनोगी पर पिछले वाली। ठीक ठीक, इधर अच्छा दो दांत, 22-23 किलो भैया। देख कर्डर क्वालिटी की बता रही, बहुत शानदार। तो जोटा तो बस दूध छक्के पीता हो। हाँ जी, ये 1,24,000 इसे कहाँ से लाए जी? पंजाब से सारी टोटल। इन पंजाब से यार, टोटल पंजाब से सारी। यो मेरा 11 का फार्म है वहाँ। अच्छा जी, लोग उसकी वीडियो देखते होंगे, गुरविंदर डेयरी फार्म। हाँ जी, हाँ मेरा खास यार है। अच्छा जी, पहले से यहाँ। इसे भी खड़ी करो। ये साहिवाल भैया जैसी भी गाय चावे ना, बस भैया को एक कॉल कर दियो, मैं नंबर बुलवा दूँगा इनका। एक बार नंबर बोल दो आप पहले। 8126945270। भाई वाह, देखें इस वाली को भी खड़ा करो भैया। जैसी भी गायें चाहना आपको, जिस भी क्वालिटी की भैया, वैसी ही गायें आपको निकाल के ला के देंगे। ये हमारे घर की गाय है। अच्छा जी, और ये गाय हमारा छोटा मार गया चुकी, इसे कोई दूसरी गाय बताओ। गाय शरीर से खुवाई ऐसी है जी आपकी, तो गाय तो तैयार मिलेगी ही। 25 किलो दूध है, 1.5 साल की हुई, अभी 15 किलो दूध देगी। तैयार होगी भैया गाय अच्छे वाली। और भैंस लांडे जोटे की भी ऐसी है, और ये कटड़ी इसकी है, सेम इसकी है, और इसे जोटे के लिए लाए, लवारा लेने के लिए। अच्छा इसी मैसेज है भैया, प्रेगनेंट है इस मैसेज 4 महीने की। अब देखो एक और कटड़ा आपके पास अच्छे वाला हो जाएगा। ये तो खड़ा भैया इधर एक तरफ, बहुत अच्छा झोटा। इसका दूध भी बनवाना है झोटा ही? हाँ भैंस का ही भैया। देखे सारी बात, सोंक एक तरफ हो जावे और बाकी वैसा मामला एक तरफ, सिर्फ झोटे के लिए भैंस है। क्या रुपए की आई थी जी भैंस, कितने की आई थी? 2 लाख रुपए की। क्या मिलती नहीं इतनी दूध की भैंस? पिछले अगस्त में लाए थे। और ऊपर देखा भैया फुहारे की व्यवस्था, फुहारे क्यों चला रखे जी? ठीक 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 ठीक, बाकी देखा भैया इस गाय की वेटर क्वालिटी बहुत शानदार वाली है, सारी की सारी ही। जो वाली गाय फोर सेल है, जो भी फोर सेल कर देंगे हाँ ये भी दे देंगे। बाकी अच्छा इस वाली के बारे में बताओ थोड़ा। ये वाली दे देंगे, ये वाली। ठीक ठीक, बाकी 7 महीने की क्या बने, 25 किलो की गारंटी। 25 किलो की गारंटी, 25 किलो की। भैया देखे हैं इस ब्लैक और वाइट वाली गाय की, ये इस वाले गाय के बारे में बताओ थोड़ा। ये यो मुझे सबसे स्पेशल लग रही है, इसकी क्वालिटी नंबर 1 है। अच्छा कान देखो आप, इसे नहीं देने के मुझे लगा आप ना दे देंगे, पर लेकिन अभी इसे कान देखो आप, ऐसे कान यहाँ इधर मिलने के नहीं कानों जी। एक खरगोश जैसे कान मिलेंगे, खरगोश बहुत छोटे कान है। हाँ मुँह देखो, ऊपर से चुंडा सा उठा हुआ है। इसकी जड़ क्वालिटी देखो कितनी हैवी है, कटर क्वालिटी देखो भैया बिल्कुल टाइट की मजबूत गाय है। वैसे भी लेंथ हाइट भी बहुत है, साइज भी बहुत है। हाँ यो कहाँ से आई थी? यो भी पंजाब, सारी पंजाब की है भैया, पंजाब से इंपोर्ट है काऊ सारी की सारी है। जिस भाई को पसंद आवे नंबर देखो, मैंने बुलवा दिया बहुत भाई गाँव। अगर किसी पशु को थनैला की एक मेन प्रॉब्लम होती है इनका, हाँ जी मैस्टाइटिस मेन प्रॉब्लम। हाँ जी, तो किसी के भी पशु को दिक्कत हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है थनैला। अगर स्टार्टिंग है हाँ जी, तो मान लिया
तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट बता दूंगा। भाई वाह देखा भैया, वरना थनैले का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, है नहीं। अगर थनैले में लेट कर दिया तो किसी पे भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक ठीक। अगर एक दिन दो दिन है या छेजड़े आ रहे हैं या लाली है सूजन है तो वो तीन दिन में फिट हो जाएगा। भाई वाह देखा, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी, और बहुत भाइयों को समस्या रहे भी जी। हाँ। वो जरूर संपर्क आपसे करेंगे, नंबर भैया का मैंने शुरुआत में ही बुलवा दिया था, और गाय का फार्म कर रखा बहुत बढ़िया वाला, उधर लांडा है इनका भागने वाला झोटा रेस का। भाई बहुत बढ़िया राहुल भाई, आपसे अच्छा जी जानकारी, मतलब अच्छी अच्छी वाली तजुर्बा भी ले रहे हैं। देखें भैया बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी राहुल भैया, काफी आज शाम को नीलोहा मेले में मिलते हैं। नमस्कार जी।